आशा किरण में मौत पर एनसीडब्ल्यू के गंभीर आरोप है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान सामने आया है, फंगस लगा हुआ खाना खिलाया जा रहा था, शेल्टर होम का पैसा कहां जा रहा है, ये वो सवाल उठा रही। ये इनका मेन्यू है जिसमें आप पढ़ेंगे मटर पनीर और दाल और ये वो, और ये इनका टीबी पेशेंट्स के लिए खाना है, आप देख सकते हो ये पूरा खाना है। और डॉक्टर ने जिनको रिकमेंड किया है अंडा और दूध, उनको ये एक बोल में जिसमें फंगस लगी हुई है खाने में ये खाना खिलाया जा रहा है इनको, और ये है इनका मेन्यू पेपर्स के ऊपर। ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बीच का गैप वो आप सब समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप कहेंगे कि दाल में काला है, काली ही दाल है यहाँ। तो सुना आपने जो महिला आयोग है उसकी तरफ से क्या कहा जाए। हरीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। देखिए दिल्ली के अंदर जो सिस्टम कोलैप्स कैसे करता है, मैं एग्जांपल लेता हूं। आज दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, जो पावर मेयर की पावर है सिर्फ 5 करोड़ की है, इससे ऊपर का कार्य नहीं हो सकता। स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बन रही उसका कारण बता देता हूं। दिल्ली का नया मेयर क्यों नहीं चुना जा रहा उसका कारण बताता हूं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, कैबिनेट मीटिंग हुई नहीं है, और जो प्रस्ताव जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि स्टैंडिंग कमेटी बने और जो मेयर बने दिल्ली का, उसका प्रस्ताव तक नहीं गया है। 1 अप्रैल में नया मेयर चुना जाता दिल्ली का, आज चुना गई है, नया मेयर भी चुना गया, स्टैंडिंग कमेटी 1.5 साल से नहीं चुनी गई है, 1.5 साल से। और ये दोष दे रहे हैं एलजी को। सवाल यही उठ रहा है कि दिल्ली के अंदर जो पूरा उसका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, प्रॉब्लम ये है। और जो अभी बात कर रहे थे कि एलजी साहब का कसूर है, मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के अंदर 5 साल कांग्रेस के शासन रहा, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर चाहे मेट्रो हो चाहे वो यमुना का जल समझौता हो, समझौता हुआ। ऐसे ही 15 साल अगर शासन कांग्रेस का रहा तो 6 साल मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, कोऑर्डिनेशन होता था, बातचीत होती थी, आरोप प्रत्यारोप नहीं होता था। नजीब जंग भी खराब थे, आपके विनय सक्सेना भी खराब हैं, काम नहीं करने दे रहे, आपके अनिल बैजल भी खराब थे, ऐसे काम नहीं चलने वाला। बड़े सवाल आपने खड़े किए कि शुरू से ही एलजी के साथ तकरार रही है घनेन्द्र जी, लेकिन रेखा शर्मा को आपने सुना, कहां जाता है शेल्टर होम का पैसा, वो कह रहे सड़ा हुआ खाना परोसा जा रहा था, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि पैसा आता भी है, फंड आता भी है, जाता कहां है, क्यों लोगों को क्वालिटी खाना नहीं दिया जा रहा। नीति जी जितने इत्मीनान से आपने खुराना जी को सुना था उतने इत्मीनान से मुझे सुन लीजिए। रही बात रेखा शर्मा जी की, रेखा शर्मा जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको एनसीडब्ल्यू को मेंबर बनाया है, तो रेखा शर्मा वही बोलेंगी जो अमित शाह साहब ने उनको लिख के भेजा है। राजकुमार आनंद इंस्पेक्शन किया है, घनेन्द्र जी उन्होंने जाकर इंस्पेक्शन किया है, उन्होंने दिखाया खाना कैसा परोसा जा रहा है। अभी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी सेटअप है ना, अभी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का वेट तो कीजिए, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कोई आतिशी नहीं कर रही, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी दिल्ली सरकार के नियम कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का वेट कीजिए। अच्छा घनेन्द्र जी मुझे एक चीज बता दीजिए, चलिए मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, आपकी दिक्कत बीजेपी और एलजी से है। घनेन्द्र जी एक सिंपल सवाल है, दिल्ली में सब ठीक है ना, सब अच्छा है, चंगा है, सब इतना तो बोल दीजिए। नहीं नहीं रवि जी मैं फिर कह रहा हूँ कि नहीं, दिल्ली के हालात के लिए दिल्ली में स्थिति खराब है, मतलब आप ये दो चीजें तो बोल सकते हैं ना सर, या तो ठीक है या तो नहीं ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में, एक जनता किसको समझती है जिम्मेदार। खराब है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में स्थिति खराब है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली के खराब, सुन लीजिए, दिल्ली लंदन बना कि नहीं बना ये बताइए ना रवि जी, सुन तो लीजिए। अरे मैं हाँ ना में पूछ रहा हूँ, इतना समय नहीं है मेरे पास, बस 1 सेकंड। दिल्ली के खराब हालात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हाँ, लेकिन आप मान रहे हैं कि दिल्ली की हालत खराब है, आप मान रहे हैं कि दिल्ली की हालत खराब है, ये लोग दिल्ली की सरकार, अरे सर ठीक है जिम्मेदारी मैं समझ रहा हूँ, वो तो जनता तय करेगी आगे, आप मान रहे हैं कि दिल्ली की हालत खराब है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था को जो खराब करने का, चलिए ठीक है ये शब्द आप नहीं बोलेंगे, मैं समझ रहा हूँ।